नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेड इन्फो वेज में। दोस्तों आज हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं रानीखेत एक्सप्रेस ट्रेन की, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन पर क्लिक ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पसंद की वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएँ। दोस्तों यह ट्रेन जैसलमेर से काठगोदाम तक चलती है। इस ट्रेन का नंबर है 150-13 और यह ट्रेन 28 घंटे 10 मिनट में अपनी जर्नी जो है वो कवर करती है। इसका डिस्टेंस ये जो ट्रेन कवर करती है वो है 1256 किलोमीटर और इसकी एवरेज स्पीड इस रूट पर है 44 किलोमीटर पर आर। इसके तकरीबन 42 स्टेशन हैं और यह ट्रेन हफ्ते में 7 दिन चलती है, यानी कि यह वीकली ट्रेन है। अब बात करते हैं इसके टिकट किराए की। इसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास, सेकंड सीटिंग और अनरिजर्व और जनरल डिब्बे अवेलेबल हैं। फर्स्ट एसी का किराया है 1165 रुपये, सेकंड एसी का किराया है 700 रुपये, थर्ड एसी का किराया है 495 रुपये, स्लीपर क्लास का किराया है 190 रुपये, सेकेंड सीटिंग का किराया है 110 रुपये, अनरिजर्व और जनरल डिब्बे का किराया है 95 रुपये। ये अपडेटेड किराया नहीं है दोस्तों। अपडेटेड किराया जानने के लिए आप किसी भी रेलवे की वेबसाइट पर जाकर एक बार ज़रूर कंफर्म कर लें। चलिए अब बात करते हैं इसके टाइम टेबल और इसके स्टेशनों की। यह ट्रेन जैसलमेर से रात के 12:55 पर हर रोज़ एक नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है। इसका दूसरा स्टेशन आता है श्री भादरिया लाठी, जहां पर ये 1:50 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है आशापुर गोमत, जहां पर ये रात के 2:25 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है दोस्तों रामदेवरा, जहां पर ये 2:47 पर पहुंचती है और 3 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला जो इसका स्टेशन आता है वो है फलोदी जंक्शन, जहां पर ये 3:44 पर पहुंचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला जो स्टेशन है वो है मारवाड़ लोहवत, जहाँ पर ये 4:11 पर पहुँचती है और 1 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है दोस्तों असियाँ, जहाँ पर ये 4:44 पर पहुँचती है और 3 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन है तिवारी, जहाँ पर ये सुबह के 5:09 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका जो अगला स्टेशन आता है दोस्तों वो है मंडोर, जहाँ पर ये सुबह के 5:40 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन है राय का बाग पैलेस, जहाँ पर ये 6:13 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन है जोधपुर जंक्शन, जहाँ पर ये सुबह के 6:25 पर पहुँचती है और इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। इसका जो अगला स्टेशन आता है दोस्तों वो है भगत की कोठी, जहाँ पर ये 6:53 पर पहुँचती है और 1 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला जो इसका स्टेशन है वो है पाली मारवार, जहाँ पर ये 7:55 पर पहुँचती है और इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। अगला इसका स्टेशन आता है मारवार जंक्शन, जहाँ पर ये 9:05 पर पहुँचती है और 25 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है दोस्तों ब्यावर, जहाँ पर ये सुबह के 10:48 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला जो इसका स्टेशन है वो है अजमेर जंक्शन, जहाँ पर ये दोपहर के 12 बजे पहुँचती है और यहाँ पर इसका 10 मिनट का स्टॉप है। इसका अगला स्टेशन है किशनगंज, जहाँ पर ये दोपहर के 12:36 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है दोस्तों जयपुर जंक्शन, जहाँ पर ये 2:20 पर पहुँचती है और 15 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन है जयपुर गांधीनगर, जहाँ पर ये 2:43 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला जो इसका स्टेशन आता है वो है दसुआ, जहाँ पर ये 3:23 पर दोपहर को पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है।
अगला इसका स्टेशन है दोस्तों बांदीकुई जंक्शन, जहाँ पर ये 3:48 पर पहुँचती है और 2 के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन है राजगढ़, जहाँ पर ये 4:18 पर पहुँचती है और 2 के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है अलवर जंक्शन, जहाँ पर ये 4:53 पर पहुँचती है और 3 के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला जो इसका स्टेशन आता है दोस्तों वो है खैरथल, जहाँ पर ये शाम के 5:16 पर पहुँचती है और 2 के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन है बावल, जहाँ पर ये 5:56 पर पहुँचती है और 2 के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका जो अगला स्टेशन आता है दोस्तों वो है रेवाड़ी जंक्शन, जहाँ पर ये 6:50 पर पहुँचती है और 3 के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन है पटौदी रोड, जहाँ पर ये शाम के 7:11 पर पहुँचती है और 2 के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला जो स्टेशन आता है वो है गुड़गांव, जहाँ पर ये 7:34 पर पहुँचती है और 2 के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन है दिल्ली कैंट, जहाँ पर ये 7:58 पर पहुँचती है और 2 के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है दिल्ली सराय रोहिला, जहाँ पर ये 8:19 पर पहुँचती है और इसका यहाँ पर 2 का स्टॉप है। इसका अगला स्टेशन आता है पुरानी दिल्ली जंक्शन, जहाँ पर ये 9:10 पर पहुँचती है और यहाँ पर ये 25 के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है साहिबाबाद जंक्शन, जहाँ पर ये 10:33 पर पहुँचती है और 2 के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है दोस्तों गाजियाबाद जंक्शन, जहाँ पर ये 11:02 पर पहुँचती है और 2 के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन है हरपुर जंक्शन, जहाँ पर ये 11:35 पर पहुँचती है और 3 के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका जो अगला स्टेशन आता है वो है मुरादाबाद जंक्शन, जहाँ पर ये 1:34 पर पहुँचती है और इसका यहाँ पर 12 का स्टॉप है। इसका अगला स्टेशन है रामपुर जंक्शन, जहाँ पर ये 2:21 पर पहुँचती है और 5 के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला जो स्टेशन आता है दोस्तों वो है बिलासपुर रोड, जहाँ पर ये 2:51 पर पहुँचती है और 2 के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन है रुद्रपुर सिटी, जहाँ पर ये 3:01 पर पहुँचती है और 8 के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है दोस्तों हल्दी रोड, जहाँ पर ये 3:29 पर पहुँचती है और 2 के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है दोस्तों लालकुआ जंक्शन, जहाँ पर ये 3:50 पर पहुँचती है और 5 के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन जो आता है वो है हल्दवानी जहाँ पर ये सुबह के 4:28 पर पहुँचती है और यहाँ पर इसका 10 का स्टॉप है। आखिरी जो इसका स्टेशन आता है दोस्तों वो है काठगोदाम, जहाँ पर ये 5:05 पर सुबह पहुँचती है और 1 या 2 प्लेटफॉर्म पर पहुँचकर अपनी यात्रा समाप्त कर लेती है। यहाँ तक ये अपनी 1256 की दूरी जो है वो कवर कर चुकी होती है। इसी के साथ रानीखेत एक्सप्रेस ट्रेन की जानकारी जो है वो समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।